हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल और डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे स्टार वॉर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एमसीयू से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो एमसीयू में एक सीरीज आ रही इको नाम की, जिसमें की दो कैरेक्टर ऑफिशियली कन्फर्म हो चुके, जो की है डेडेविल और उसके बाद किंग पिंग। अब किंग पिंग और डेडेविल का क्या कनेक्शन है, ये दोनों कैसे एकदम डायरेक्ट आ रहे हैं इको सीरीज में, तो आपको इससे पहले देखनी पड़ेगी हॉकआई और डेडेविल सीरीज। अगर डेडेविल का डायरेक्ट कनेक्शन दिखाए पुरानी सीरीज से, तो लिटरली मजा आ जाएगा। इससे ये कंफर्म होगा कि हमें और भी पुराने कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है एकदम ऑफिशियली कंफर्म, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस। तो आपने देख ली होगी, इस मूवी के आने से पहले काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि इसमें आपको डेडपूल देखने को मिलेगा और पोस्टर में भी डेडपूल की हल्की सी झलक थी। तो फाइनली आज के दिन कंफर्म हो चुका ऑफिशियली कि इस मूवी में डेडपूल का एक अल्टरनेट यूनिवर्स देखने को मिलने वाला था, बट राइटर्स ने, प्रोड्यूसर ने ये सीन को उठाने की घोषणा कर दी और मूवी में डेडपूल का कोई भी यूनिवर्स नहीं दिखाया गया। अब इस यूनिवर्स की इमेज हमारे सामने आई है, मेरी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस यूनिवर्स में डेडपूल अच्छी तरीके से कब्जा कर चुका है, केबल को वो याद करता है और हर जगह डेडपूल के पोस्टर लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि डेडपूल जैसा चाहता था कि सब मेरी पूजा करें, सब मुझको ही माने, तो वैसा ही हमें इस यूनिवर्स में देखने को लग रहा है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो फाइनली कैप्टन अमेरिका 4 जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी थी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, तो उसके राइटर्स और डायरेक्टर ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं। जूलियस इसको ऑफिशियली डायरेक्ट कर रहे हैं मूवी को और एंथनी मैकी कैप्टन अमेरिका है, और क्रिस इवांस ने तो ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पे भी कंफर्म कर दिया कि एंथनी मैकी एस कैप्टन अमेरिका, यानी कि वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका को। ये रियल लाइफ में भी काले गोरे का बहुत ज्यादा भेद चल रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग कितना ज्यादा सपोर्ट करोगे कैप्टन अमेरिका 4 को, क्योंकि एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका और एक व्हाइट कैप्टन अमेरिका। तो मुझे तो क्रिस इवांस ज्यादा पसंद है, तो मुझे इतना ज्यादा खास नहीं लग रहा है, पर आपके ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो मार्टिन जो कि ब्लैक पैंथर मूवी में आ रहे हैं वकांडा फॉरएवर में, और फाइनली कंफर्म हो चुका है कि वो अपकमिंग सीरीज में भी आ रहे हैं, जो कि सीक्रेट इन्वेजन, जो कि उनका एक सीक्रेट रोल होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो शी हल्क का सुपर हीरो कॉस्ट्यूम रिवील्ड हो चुका, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और यह कॉस्ट्यूम बहुत ही मिलता जुलता एवेंजर्स एंड गेम हल्क से भी है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है शी हल्क से ही रिलेटिव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोर्ट के दौरान हमारी शी हल्क खड़ी हुई है और उनका लेफ्ट हैंड का कोट फटा हुआ है, तो यानी कि कुछ ना कुछ फाइट हुई है। आपको क्या लगता है इनकी लड़ाई किससे हुई होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कंफर्म हो चुका है कि व्हाट इफ सीजन 2 और उसके साथ मार्वल ज़ॉम्बीज का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलेगा, और ये होने वाला है 21 जुलाई को, जिसमें कि हमें टोटल मार्वल के सारे एनिमेशन शो से रिलेटेड अपडेट मिलेंगे। जॉन वॉट जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम, फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन होमकमिंग के डायरेक्टर हैं, वो अब काम कर रहे हैं स्टार वॉर्स की अपकमिंग सीरीज के ऊपर। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इनका डायरेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नैटली पोर्टमैन ने कंफर्म कर दिया है कि वो जेन फोस्टर एस माइटी थोर के कैरेक्टर के लिए दोबारा से रिटर्न करेंगी। उन्होंने भी हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि आई एम ओपन टू एनीथिंग, इज अ सच अ कूल कैरेक्टर एंड आई फील लाइक एनीथिंग इज पॉसिबल। होप ऐसा ही हो और वो आने वाले फ्यूचर में हमें देखने को मिले। और वेलहला का पोस्ट क्रेडिट सीन तो सभी ने देख लिया था, उससे यही सब क्लियर हो जाता है कि वेलहला से कोई भी कैरेक्टर आराम से इजीली रिटर्न हो सकता है अगर थोर चाहे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो फाइनली एमसीयू के अंडर एक रिपोर्ट आई इनसाइडर कि टॉम होलैंड ने अभी तक एमसीयू के साथ कोई भी डील नहीं करी स्पाइडरमैन 4 से रिलेटिव। जैसी कोई डील होगी आपको मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं लोकी सीजन 2 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो फाइनली न्यू सेट इमेजेस आई है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि टीबीए के फॉर्म में दोबारा से हमारे लोकी और मोबियस दोबारा से बैक हो चुके हैं अपने नए मिशन पर। चलिए बात करते हैं बेहतरीन अपडेट के बारे में, जो कि ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा पर आपको इसको जानकर और भी खुशी होगी। डफर ब्रदर ने कंफर्म कर दिया था कि फाइनल एपिसोड में मैक्स को वो मारने वाले थे, पर कुछ कारण चक्कर में इसको चेंज कर दिया और जिंदा दिखाया, जिससे कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में इसको अलग तरीके से दिखा सकें, मरता हुआ या जिंदा करता हुआ ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, पर फाइनली मैक्स जिंदा है सिर्फ डफर ब्रदर के कारण। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है बहुत ही कमाल का। तो ट्रेन टू भूषण सभी ने मूवी देखी होगी, इसका एक इंग्लिश एडिप्शन बनना था जिसका नाम था लास्ट ट्रेन टू न्यूयॉर्क, तो ये मूवी डिले हो गई है। जी हाँ, अब ये मूवी रिलीज होगी साल 2023 में, पर रिलीजिंग डेट अभी तो कोई कंफर्म नहीं हुई है, जैसे कोई कंफर्म होगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। चलिए बात करते हैं न्यू अपडेट के बारे में। वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं था ऐड करने का, फिर भी आलिया भट्ट भाई गैल यानी कि हमारी वंडर वुमेन से मिल रही हैं, इनकी एक अपकमिंग स्पाई मूवी आ रही है जिसका नाम है हार्ट ऑफ स्टोन, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। ये मूवी रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स से रिलेटिव। तो डे शिफ्ट जो कि बहुत ही कमाल की मूवी है जिमी फॉक्स की, जो कि है
वैम्पायर्स की, और ये मूवी इतनी ज्यादा कमाल की है, मेरे को इसका ट्रेलर देख के मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये मूवी रिलीज होगी 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे, देखिएगा जरूर। चलिए बात करते हैं रैन से रिलेटिव। तो फाइनली रैन एमसीयू के अंडर किसी से बात कर रहे हैं रोल के लिए, अब कौन सा रोल है ये कंफर्म नहीं हुआ है, पर इससे रिलेटिव भी कुछ अपडेट आया जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि टैके वेटिटी से रिलेटिव। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि थॉर में जितने भी सीन उन्होंने कट करे हैं वो जानबूझ कर करे हैं, और उनका कहना ये भी है कि जब कोई सीन बेकार है तो उसको रिलीज ही क्यों करना, तो उसका मतलब ये है कि वो थॉर के कोई भी कट सीन रिलीज नहीं करने वाले हैं ब्लू-रे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है रूमर। मेफिस्टो आपको देखने को मिल सकता है अगंता हाउस ऑफ द हार्कनेस में। अब इससे रिलेटेड काफी टाइम से रूमर चल रहे हैं वांडा विजन से, तो मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है। चलिए बात करते हैं एक और रूमर के बारे में। तो आयरन हार्ट जो सीरीज आ रही है उसमें आपको विलेन के तौर पर देखने को मिल सकते हैं द होड, और इसका भी कैरेक्टर का रूमर आ रहा था काफी टाइम से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है डीसी से रिलेटेड। तो फाइनली डीसी के काफी सारे सुपर हीरो पेट्स के पोस्टर रिलीज हुए हैं जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद लग रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं बैटमैन, वंडर वुमन, सुपरमैन, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। इस मूवी का मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, अराउंड 2 साल से, और सिल्वेस्टर की ये सुपर हीरो मूवी 26 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है, देखिएगा जरूर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो थेसा थॉमसन ने कंफर्म कर दिया कि वो वैलकरी के सोले प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है VFX से रिलेटेड। तो फाइनली मार्वल की जो VFX टीम है वो बहुत ही ज्यादा नाराज है, उनका यही कहना है, काफी सारे ट्वीट्स हैं जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनका कहना है कि मार्वल का इतना ज्यादा प्रेशर होता है मूवीज को लेकर, VFX को लेकर, कि हम परेशान हो चुके हैं, और आप इतनी सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है एल्डन से रिलेटिव। तो फाइनली वो आयरन हार्ट सीरीज में कास्ट कर चुके हैं, वो ऑलरेडी आपको उनको देख चुके होंगे स्टार वॉर्स की हैन सोलो मूवी में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो रैन जो कि मार्वल स्टूडियो में बात कर रहे थे, उन्होंने अभी हाल ही में इंटरेस्ट जताया कि उनको नोवा कैरेक्टर प्ले करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर उनको एमसीयू में काम करना है तो वो गोस्ट राइडर का कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे, उन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया है। और ऐसे कर करके तो ये पूरा हॉलीवुड घेर रहा है मार्वल वाले, कोई भी कैरेक्टर नहीं छोड़ा है जो बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर हैं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हैली जो कि फाइनली कैट बिशॉप का कैरेक्टर प्ले करती हैं, वो आने वाली है एमसीयू में फ्यूचर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, आज के दिन कंफर्म हुआ है। अब बात करते हैं मैडम वेब से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो आज से शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, होप मॉर्वी जैसी मूवी ना बना दें और बढ़िया बना दें, क्योंकि इतनी कमाल की खूबसूरत एक्टर है, और इसको भी लेकर अगर कुछ कवाड़ा बना दें तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आयरन हार्ट सीरीज की फर्स्ट सेट इमेज हमारे सामने आई है, और आपको बता दूं इस सीरीज में आयरन मैन से रिलेटेड बहुत बड़ा हिंट है जो कि आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अगर कॉमिक बुक एक्यूरेट ये सीरीज बना दे तो लिटरली आपको आयरन मैन AI फॉर्म में देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चलिए बात करते हैं आज के फाइनल अपडेट के बारे में। तो मिस मार्वल का फाइनल एपिसोड रिलीज हो चुका है, जिसमें कि हमें मिस मार्वल एज म्यूटेंट दिखाई, और पीछे बजा था एक्समैन का थीम सॉन्ग, जिसको सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या आपने ये थीम सॉन्ग सुना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।